हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पैनकेक्स। आलू पैनकेक्स के लिए हमने लिए हैं ये 4 मीडियम साइज आलू है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमें मैदा लगेगा। 1 मीडियम साइज प्याज हमने बारीक कट करके लिया है। ये 1 टेबलस्पून हमने वाइट बटर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने घर का ताज़ा मलई लिया है, आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो। 1 हमने एग लिया है, अंडा ये ऑप्शनल है, अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो ये ड्रॉप कर सकते हो। ये हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कट करके ली है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, और 4 हमने हरी मिर्ची बारीक कट करके ली है। तो आइए आलू पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले आलू का छिलका निकाल के उसको ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं पहले आलू का छिलका निकाल लेती हूँ। आलू को हम ग्रेट करके ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आलू को ग्रेट करके अच्छे से वॉश करके उसे 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब हम इसे ड्रेन करके लेंगे। तो ये मैं छलनी में इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से हम अभी इसे निकाल लेते हैं। अभी हमने जो ग्रेटेड आलू है उसमें का सब पानी निकाल लेना है। तो ये इस तरह से हम इसे पूरी तरह से इसे स्क्वीज करके लेंगे। इस तरह से सभी पूरे आलू का पानी हम निकाल लेंगे। आइए फ्रेंड्स, पहले हम ये एक तोड़ लेते हैं और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यह हमने मैदा लिया है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। यह हमने फ्रेश मलाई ली है। ये बटर है। अब ये आलू में हम इस प्याज ऐड करेंगे। ये थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने आलू, प्याज और हरी मिर्च, कोरिएंडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया था ये इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब ये नमक हमने स्वाद अनुसार लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर ये तवा रख लिया है। अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। तवे पे ऑयल ऐसा पूरे तवे पे उसको फैला देंगे। अब हम ये पैनकेक्स इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये मैं मीडियम साइज का पैनकेक बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम चेक कर लेते हैं कि नीचे से हमारे पैनकेक्स बने हैं क्या। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है उसका। ये हमारे पैनकेक्स नीचे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से अभी हम सभी पैनकेक्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड,
ये हमने अभी सभी पैनकेक्स इस तरह से बना लिए हैं। ये मैं लास्ट वाला पैनकेक इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैनकेक भी बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए पैनकेक्स का कलर कितना अच्छा आया है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसे हमने छोटे साइज में भी बना के दिखाया है, ताकि अगर आपको छोटा साइज का बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। इस तरह से हमने सभी पैनकेक्स बना लिए हैं। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आलू के पैनकेक्स बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।